हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज हमारे पास एनडीटी टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट आया हुआ है सिंगापुर के लिए। अभी हम लोग रिक्वायरमेंट डिटेल्स आपको शेयर करेगा। कोई भी आप सूटेबल आए तो, और जॉब डिटेल्स आप चेक करके सूटेबल आए तो आप लोग अप्लाई कीजिए। ओके, जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना, आप लोग गूगल में जाइए। ऐसे गूगल में जाके आप लोग, हमारा कंपनी का नाम है यस्ते एचआर कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल। तो ऐसा आप कंपनी का नाम, यस्ते एचआर कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल कंपनी का नाम आप डालिए। आप डालेंगे तो हमारा कंपनी का वेबसाइट आएगा, या हमारा कंपनी का रिव्यूज है। ओके, सो हमारा ऑफिस है, ऑफिस लोकेशन सब कुछ यहाँ पे आपको दिया जाएगा। आप हमारा कंपनी का वेबसाइट में अभी जाके देखिएगा तो आपका रिक्वायरमेंट्स का डिटेल यहाँ पे पहुँच जाएगा। सो यह हमारा कंपनी का वेबसाइट है। यह वेबसाइट में आप लोग का अभी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है, वांटेड सिंगापुर। सिंगापुर का जो रिक्वायरमेंट आप ओपन करेगा तो इसका पहले प्रीवियस रिक्वायरमेंट में आपको एनडीटी का, नेदरलैंड का भी रिक्वायरमेंट है। अगर ये आपको नेदरलैंड के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए तो नेदरलैंड का ये जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें रहेगा। अभी सिंगापुर का प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है, सो एनडीटी टेक्नीशियंस रिक्वायरमेंट फॉर सिंगापुर। सो इसमें आप लोग देखेगा तो एनडीटी टेक्नीशियंस पीएयूटी क्वालिफाइड टेक्नीशियंस चाहिए लॉन्ग टर्म जॉब के लिए। सो ये पीएयूटी कौन सा पीएयूटी है, हम लोग पीएयूटी बोलेगा तो फेस्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इसमें आप लोग का एएसएनटी का पीएयूटी भी है, आईएसएनटी का पीएयूटी भी है, और पीसीएन का पीएयूटी भी है, और आईएसओ 9712 पीएयूटी भी है। लेकिन क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट है PCN PAUT और ISO 9712 PAUT, कोई भी ये दोनों में कोई भी क्वालिफिकेशन रहेगा तो ये जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब लोकेशन आपको सिंगापुर है। कंपनी आपको जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या दिया है, मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। ओके, सो इसका आपको PCM परमिट आपको मिल जाएगा। PCM परमिट का अंडर आप लोग का सिंगापुर वाला कंपनी आपको अप्लाई करेगा, कंपनी आपको पीसीएम का परमिट का अंडर आपको लेके जाएगा। अगर सपोज इसका पहले कोई भी सिंगापुर में ऑलरेडी काम किया है या मलेशिया में काम करेगा तो भी उनके लिए कंपनी प्रायोरिटी देगा, जल्दी वो जॉब उसको दिलाने के लिए। उसके बाद आपको कैंडिडेट का डिप्लोमा या बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री का मतलब बीटेक भी हो और या एकेडमिक डिग्री हो या टेक्निकल डिग्री हो, कोई भी चलेगा। आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपको डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है। अगर आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये तो डिग्री डिप्लोमा आपको बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको पीएयूटी टीओएफडी आपको चाहिए। इसमें आपको मिनिमम यहाँ पे आपको दिया हुआ है लेवल 2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो भी सर्टिफिकेट आपको वैलिड होना चाहिए। पीएयूटी टीओएफडी दोनों भी आपको एक ही रहेगा तो चलेगा, दोनों रहेगा तो आपको और भी अच्छा है, सैलरी भी आपको ज्यादा मिलेगा। आपको मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए। कन्वेंशनल यूटी एडवांस्ड यूटी। कन्वेंशनल का मतलब है हम लोग एएसएनटी का आईएसएनटी का जो काम करता है उसी को आपको कन्वेंशनल एनडीटी बोलता है। इसमें आपको 5 ईयर्स या 4 ईयर्स एक्सपीरियंस रहेगा तो भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, और इसमें आपको पीआईयूटी का जो करोजन मैपिंग का एक्सपीरियंस चाहिए और वेल्डिंग इंस्पेक्शन का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपको आईएसओ 9712 से आप अप्लाई करेगा या पीसीएन पीआईयूटी का तरफ से अप्लाई करेगा, जो भी है आपको लेवल 2 का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो भी वैलिड स्टेज में होना चाहिए। ओके, सो पीआईयूटी टीओएफडी लेवल 3 अगर आपको हो, कंपनी का रिक्वायरमेंट है लेवल 2। अगर आपको पीसीएम लेवल 3 भी है पीएईटी में या टीओएफटी में या आईएसओ 9712 में भी, आपको एडवांटेज है, ये एडिशनल एडवांटेज है आपको। ओके, जो भी है ये रिक्वायरमेंट आपको पूरा मैंने आपको बता दिया। जिसका इंटरेस्टेड है, कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको मालूम पड़ा है, समझ में आया बोल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपको डाउट रहेगा तो आप लोग अप्लाई कीजिए, आगे डिटेल्स आपको बता देंगे। ओके, ये आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आपको मिनिमम इसके लिए 8 कैंडिडेट्स चाहिए। सो आपको अच्छा क्वालिफिकेशन रहेगा तो सूटेबल रिक्वायरमेंट एजुकेशनल और एक्सपीरियंस रहेगा तो आप अप्लाई करवाइए। ओके, या ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।